बिग बॉस 12 के सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट्स में से एक बिहार के रहने वाले दीपक ठाकुर। दीपक ठाकुर के गानों के दीवानों की कमी नहीं है और अब तो लोग उनके व्यक्तित्व के कारण भी उन्हें पसंद करने लगे हैं। बिग बॉस के घर में आई फराह खान ने भी बिग बॉस के टॉप 3 कंटेस्टेंट में दीपिका और श्रीशांत के साथ दीपक का भी नाम लिया था। बिग बॉस को शुरू हुए 2 महीने होने जा रहे हैं, इस बीच दीपक के कई अंदाज सामने आए हैं, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से गाने बनाना और गाना हो या सोमी पर उनके क्रश को लेकर हो रही चर्चाएं या फिर परिवार वालों से उनका नोक झोंक हो, वो हर तरफ खुलकर सामने आए हैं। बिग बॉस के एपिसोड के दौरान उन्होंने मृणाल भैया का कई बार जिक्र किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने मृणाल भैया का जन्मदिन भी मनाया। दीपक बताते हैं कि मृणाल बिग बॉस के मंच तक पहुंचाने में उनकी बहुत मदद की है। मृणाल किशोर सिंह ने दीपक से जुड़ी यादों को शेयर किया। मृणाल ने बताया कि कैसे दीपक का एक शब्द काबिल के फचाक उनके बिग बॉस में सिलेक्शन के लिए अहम बन गया था। दीपक के बारे में जैसे कि कैसे मैं बात करते करते मेरे एक चेहरे पे मुस्कान आ गई, हंसी आ गई, तो दीपक का यही डिफिनेशन है कि वो फुल इंटरटेनर है, वो फुल इंटरटेनमेंट पैकेज। आप उसको मतलब वो अच्छा गाता है, वो अच्छा लिखता है, वो अच्छा सुनाता है, वो अच्छा जोक करता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, वो ऐसे ऐसे बिहारी वर्ड को ऐसे जगह यूज़ करता है कि आप मतलब हैरान हो जाएंगे। मतलब ऐसे ही एक और इंसिडेंस है उसके जीडी वाले में ही, जीडी में उसको बोला गया कि आप 2 लोगों को चुनिए, एक जो आपको पसंद आए, एक जो आपको पसंद नहीं आया। दीपक भाई साहब आए और जीडी में बिग बॉस टीम के सामने और वो बोले कि भैया यहाँ पे 2 लोग आया था, एक लड़की आई थी जो किसी दूसरे समुदाय में शादी कर ली थी, तो उसको उसके समुदाय वाले काफ़ी तंग करते थे। तो दीपक बोला कि ये मुझे जेन्युइन लगी, ये लड़की जेन्युइन लगी, क्योंकि उन्होंने अपने प्यार को सफल बनाया, शादी किया और आज अच्छा जीवन जी रहे हैं। उसी जीडी के हॉल में, उस जीडी के कमरे में एक और भाई साहब आए हुए थे जो शायद उधर हरियाणा जाट गुजर के रहे होंगे, वो काफ़ी पूरे बॉडी में टैटू और अपना ईयर रिंग्स, ईयर पियर्सिंग, ईयर सब मतलब पियर्सिंग का वो बाजार थे, आप यूँ कह सकते हैं। फिर उनके अंदर एक अलग टाइप का, आजकल लोग बहुत सारा वर्ड यूज करते हैं, ड्यूड और हंक और माचो मैन, तो वो उस परिभाषा को परिभाषित कर रहे थे भाई साहब। तो दीपक वो आके बोले कि मेरा इतना फॉलोअर्स है इंस्टा पे, मेरे इतने फॉलोअर्स फेसबुक पे। तो दीपक ने बहुत अच्छा से उसको डिफाइन किया। दीपक बोला कि एक तो मुझे ये लड़की पसंद आई क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे अपने बारे में बताया, और जो मुझे ना पसंद आया वो भाई साहब है। तो वो भाई साहब जो हैं वो काबिल के फचाक बनते हैं। अब बताइए वर्ड इतना, ये वर्ड जो आदमी को डिफाइन कर दिया, लेकिन ये वर्ड हम भी जानते हैं, मुझे खुशी हुई। और ये वर्ड दीपक के सिलेक्शन का कहीं ना कहीं 10% या 20% हकदार है। वो बंदा अपने वर्ड को, अपने शब्द को, अपने उस शब्द को सबके सामने बोला कि बंदा काबिल के फचाक बनते हैं। और दूसरा सेंटेंस था इसका कि जब इनके इतने फॉलोअर्स ऑलरेडी सोशल साइट्स पे हैं तो इनको बिग बॉस में आने की जरूरत क्या है। दरअसल मृणाल किशोर सिंह की एंटरटेनमेंट कंपनी है और दीपक ठाकुर सिंगर। स्थानीय नेता के जरिए उनकी मुलाकात दीपक से हुई, जिसके बाद दीपक उनके साथ हैं और वो दीपक के साथ। करी से करी जुड़ी होती है। लोग बोलते हैं ना आजकल कि पॉलिटिकल लोग किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे नाम देना चाहूँगा आदरणीय सांसद श्री अजय निषाद जी का, जिनके द्वारा मुझे फ़ोन पे, उनके सहयोगी प्रवीण जी ने फ़ोन पे मुझे बताया कि मृणाल जी आपका एक इंटरटेनमेंट कंपनी चल रहा है और हमारे क्षेत्र का एक लड़का है दीपक ठाकुर और उसका ये करियर है, उसने अपने करियर में 2 बड़ी मूवी में अपना प्लेबैक सिंगर का काम किया है, तो उसको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। अमूमन बहुत सारे लड़के आंखों में आशा लिए हुए हमारे पास आते हैं कि भैया आप इंटरटेनमेंट फील्ड में हैं और हमारे अंदर वो जज्बा है, कुछ मैं करना चाहता हूँ, कोई अच्छा गाते हैं, कोई अच्छा डांस की कला में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई मूवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वैसे ही दीपक भी आए, दीपक मिला हमसे, बट लेकिन एक बंदा होता है ना जो फर्स्ट मीट में आपके ऊपर छाप छोड़ता है, प्रथम जो बोलता है ना अंत, शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंजाम अच्छा होता है, तो शुरुआत अच्छी थी। दीपक का फर्स्ट मीट ही काफ़ी बेहतरीन रहा। वो पहले बार जब हमसे मिलने आए उसी टाइम वो हमारे मेरे मनमानस पे, मेरे सोच पे, मेरे दिल पे अपना छाप छोड़ा, अपना छाप बनाया। बहुत ही अस्पष्टवादी बच्चा है, घर की सारी मतलब वो सारी कोई बात उसके नज़र में वो एक खुला किताब है। दीपक को जितने लोग नहीं जानते हैं
बिग बॉस के माध्यम से भी उनका मुझे लगता है कि 40 से 50% लोग जान पा रहे हैं उनको। 40% दीपक, जो दीपक का जो रियल इमेज है उसका 40% ही लोग जान पा रहे हैं बिग बॉस के माध्यम से। जो असली दीपक है ना वो बिग बॉस के बाद पता चलेगा, जब वो आएंगे लोगों से मिलेंगे। वो एक खुला किताब है, ओपन बुक है, वो अलग, वो एक डिफरेंट बंदा है। मृणाल ने इसके अलावा द जेड प्लस के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। आइए देखते हैं मृणाल द जेड प्लस के लिए और आपके लिए क्या कुछ कहा है। जहाँ तक बात रहा जेड प्लस का, जेड प्लस तो अमूमन सब देख रहे हैं कि कितना उभरता हुआ सोशल चैनल है अभी। इसकी मैं खुद देखते रहता हूँ उसके साथ के सारे न्यूज़ जो भी न्यूज़ जो भी स्टोरी आप कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो टॉप सोशल साइट्स हैं, जो न्यूज़ चलाते हैं, जो टॉप सोशल मीडिया हैं, उसमें ललन टॉप का और क्विंट का अपना एक नाम है। और दीपक की स्टोरी बिग बॉस जाने से पहले ललन टॉप ने और क्विंट ने किया। और आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि जेड प्लस इकलौता ऐसा बिहार का चैनल है जिसने दीपक के टैलेंट को उस आथर के छोटे से गांव से उठा के बिग बॉस जाने से पहले, बिग बॉस जाने के बाद, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि अभी दीपक के मेल आईडी पे बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों का मेल आ रहा है टाइम्स के लिए, टाइम के लिए, उनका न्यूज़ के लिए। लेकिन मैं साधुवाद देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ इस चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आथर के उस टैलेंट को, आथर के उस प्रतिभा को अपने चैनल के माध्यम से बिग बॉस जाने से पहले भी आपने उसको शूट किया, आपने दिखाया, आपने बताया। और ऐसे ऐसे कितने दीपक, ऐसे कितने दीपक इस पूरे बिहार में हैं, हर एक गांव में, छोटे छोटे गांव में, कस्बों में पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं मृणाल हो के आप लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे ऐसे बहुत मृणाल आए और वैसे दीपक को उठा के बिग बॉस नहीं, दुनिया के हर एक सक्सेसफुल जगह पे पहुंचाने का काम करें। दीपक बिग बॉस 12 में अब तक अपना छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो हो सकता है बिग बॉस का विजेता पहली बार बिहार से होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।